डिस्पाइट लिविंग इन पैट्रियॉर्कल सोसाइटी, हमारे कश्मीर में फीमेल इंस्टीट्यूशंस, विमेन को एम्पावर करने वाले इंस्टीट्यूशंस बहुत ही कम पाए जाते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में ले जाऊंगा जहां पे लेडीज़ एम्पावर हो रही हैं, स्टूडेंट्स एम्पावर हो रहे हैं। सो तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं ज़ियाज़ एक्सपेडिशन के एक खसूसी ब्लॉग, जहाँ पर मैं आज आपको ले जा रहा हूँ जामिया इस्लामिया महदुल मुस्लिमात, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो वाका है भागत बरजुला में। यहाँ की जो ओनर है, यहाँ की जो चेयरमैन है, वो है डॉक्टर मुबीना रमज़ान, जिनको रिसेंटली 500 मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल वुमेन का खिताब मिला है दुनिया के। सो आज हम इन्हीं से बात करेंगे, इनके इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और देखेंगे व्हाट दिस इंस्टीट्यूशन इज ऑफरिंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुबीना रमज़ान जी, जो इस इंस्टीट्यूशन के ओनर हैं। नाउ दिस इंस्टीट्यूशन इज रन बाय डॉक्टर मुबीना रमज़ान, जैसे मैंने आपको अर्लियर इंट्रोडक्शन में भी बताया। एंड वी विल सी यहाँ पे वुमेन को किस एंगल से एम्पावर किया जा रहा है, यहाँ पे वुमेन फोक को या गर्ल एजुकेशन को ये कैसे प्रोफेस कर रहे हैं, कैसे इंडोर्स कर रहे हैं, और कौन कौन से को करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटीज जो है ये इंस्टीट्यूशन हमें ऑफर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल I'm going to take you right inside to this in the office. So ma'am, this is बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा main office है और यहाँ पे हम जी जो main parents आते हैं, कोई भी लोग आते हैं जी, तो यहाँ पे हमारी accountant है वो भी है। तो पहले आप मेरे viewers को बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा सा introduction दीजिए जो आपको नहीं जानते हैं मेरे ऑडियंस, प्लीज आप उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। दो मैंने उनको दिया, फिर भी आप अपना दीजिए और थोड़ा सा बताइए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं बेसिकली। मेरा नाम मुबीना रमजान है, मैं खुद सोपोर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ श्रीनगर में मेरी मैरिज हुई है, और पहले हमने सोपोर में जामिया इस्लामिया महदुल मुस्लिमात जो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका स्लोगन ही है एजुकेट वीमेन एजुकेट सिविलाइजेशन। तो जिन बच्चियों को हम एजुकेट करना चाहते हैं, बिसाइड्स कि दे विल लर्न हाउ टू स्पीक, हाउ टू लर्न अरबिक, इंग्लिश और दिस दर्स निजामी, हदीस, फिक, सो शी शुड बी इक्वली शी शुड बी ट्रेन इन दिस। बेसिकली यू आर कवरिंग इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लामिक नॉलेज, एज वेल एज यू आर कवरिंग साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल दीस आर बोर्डिंग इंस्टीट्यूशंस और पीपल गर्ल्स आर स्टेइंग हियर, दे आर रेजिडिंग हियर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और 3 years। दैट्स ग्रेट। So it is a good time for to enrich her, to nourish her, to build her, both from physically as well as emotionally. Forming women, you know, in this patriarchal society is absolutely a big deal. That's what Dr. Mubeena Ramzan ji, ये काम कर रहे हैं, noble cause को आगे ले रही है, और orphan students, आपके यहाँ widows भी orphan जैसे students हैं, needy girl student, वो भी accommodate कर रहे हैं, वो भी इस institution में पढ़ रहे हैं। So basically, yeah. You can see the doctor Ansar. Dr. Ansarul Nisa, Mahdul Muslimat, but she is managing the office of Ansarul Nisa. More importantly, I want to tell you, this institution is run by ladies only. Yes. So, aapke yahan pe dedicated aur professional ladies yahan pe milenge institution. She is one of the pass outs of the institution. Very nice. So, aap dekh sakte hain, accountant jo hai yahan pe ek pass out rahi hai, and I want to appeal those of you who are interested, agar aap bhi chahte hain apni aapki daughter इस इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर हो और इस्लामिक एजुकेशन से एनलाइटन हो, एम्पावर हो, आप प्लीज इस इंस्टीट्यूशन को विजिट कीजिए। डॉक्टर मुबीना रमजान बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लेडी है हमारे एंटायर कश्मीर की, आफ्टर मीर वाइज उमर फारूक, इनका लिस्ट में नाम आ गया 500 इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड। सो बहुत बड़ी बात है, बहुत फख्र और बहुत प्राइड की बात है कि हम इनसे इस वक्त रूबर हैं, इनसे मुलाकात हो रहे हैं। सो हाँ, एक ही काम करेंगे, हमने इनका यहाँ पे ये दिन छुट्टी करा बेसिकली। आप कैन सी आवर रिकॉर्ड्स, हमारा हर एक चीज रिकॉर्ड में है, हाउ वी रिसीव द एप्लीकेशंस, व्हाट इज द वेरिफिकेशन प्रोसेस, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, व्हाट इज आवर दिस रजिस्ट्रेशन लिस्ट, हैव द वुमेन्स आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द सोसाइटी, डॉक्टर्स, लेक्चरर्स आर डोनेटिंग फॉर दिस वेरी ट्रस्ट एंड दे आर बेनिफिटिंग, दिस वुड बी राइट। सो दीस आर द फॉर्म्स राइट, आपको पहले ये जो ब्राइड्स है जिनको हमने ये सॉल्व हो गया, ये सारे केसेस जिनको हमने मैरिज केसेस का किट दिया है। अच्छा, मैरिज किट आप ये भी करते हैं कि मैरिज केस को किट्स, और इसमें बाज़ाब्ता जो है वेरिफिकेशन होती है, या हमारे कुछ डोनर्स है जो इनको वेरीफाई करते हैं या यहाँ पे भेजते हैं, तो हम उनको यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं जो 7 days में उनका जो नीडी जो होती है, कोई ब्राइड जिनको शादी की तैयारी होती है, वो आपके यहाँ कॉन्टेक्ट करती है, देन यू वेरीफाई
देन तो फिर आप उनको नीडी किट्स जो भी आपको किट्स वेयर्स उनको लगते हैं देन यू प्रोवाइड उसके साथ साथ हम इन्हें फूड स्टॉक भी प्रोवाइड करते हैं ट्वाइस और थ्राइस इन द ईयर. अच्छा 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 तो यहाँ पे हम इनके एक डिफरेंट कंपार्टमेंट में आ गए डिफरेंट कंपाउंड में आ गए वेयर इन वी आर फॉलोइंग these pious lady and wherein we show you the students. ये क्या है मैम आप? अच्छा students notes board है. हाँ students के लिए जो भी notes निकलते हैं जैसे ये time table है. अच्छा time table. आपका time क्या रहता है? हम जी बताइए. ये हमारी timing जो है यहाँ पे लिख के है 3:50 से सलातुल फजर होती है फिर मुताला. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ वर्जिश फिर. तो आप सलातुल फजर पे students को on time उठाते हैं. Yes yes yes. So फिर आप मुताला. मुताला के लिए फिर वर्जिश. What do you mean by मुताला research? मतलब हाँ वो पढ़ाई करते हैं. पढ़ाई करते हैं और प्लस थोड़ा rest. Then exercise time exercise, as well. Yes, wow, yes. Very फिर nice. सफाई फिर अपनी तैयारी असेंबली के लिए फिर उसके बाद चाय होती है फिर उसके बाद असेंबली होती है फिर क्लास स्टार्ट होती है 9:30 से. स्टूडेंट से बात करेंगे उनसे इंटरेक्शन करेंगे लेट्स सी what they offer and let's see what they have to say regarding this institution as well. So yahan pe main samajh sakta hu ki inko space ki bhi thodi si dearth hai 60 se 70 students ko accommodate karna is wale building mein obviously this is a challenging task and this is absolutely a meticulous task as well and bahut hi acha kaam karta hai ye aap dekh sakte hain this building is I can see the purani building hai right. So yahan pe ab aage hain inke first wale floor mein and I can see this is some different activities are going here. Wow. So ये क्या paper cuttings में आप क्या कर रहे हैं students से थोड़ा सा. अच्छा पहले designing class. Okay, this is a designing class. So education के साथ साथ हमें daily education के साथ साथ ये curricular activities इनको definitely ये syllabus में है basically. So यहाँ पे students active part लेते हैं और ये चीज अंजाम देते हैं और different designs की clothes आप देख सकते हैं इन्होंने बनाए. This is a pretty dress designed by one of the students, I believe. Yes, if you can see. Please एक दो दीजिए. These little dresses. अच्छा. इनका exam होता है बराबर से तो. जी. So आप देख सकते हैं. Students यहाँ के बहुत creative हो गए हैं. यहाँ पे stitching art एक art है definitely and it needs lot of time, it needs lot of dedication, hard work and perseverance. आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही क्रिएटिविटी का मुजाहरा यहाँ पे किया एंड बहुत डिफरेंट डिजाइन क्लोथ्स यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से बनाए. एनीवेज दिस इज वी वांट टू शो यू द अंसारुन्निसा लगेज यू कैन सी दिस ये यहाँ पे हमेशा यहाँ पे आपकी क्या है ये एक निकाले एक छोटा स्टोर है जो जो ब्राइड्स हैं नीडी जो है वो आप उनके लिए एक दो निकाले ब्राइड्स के लिए ये चीज यहाँ पे फराइम और मुहैया की जाती है जो लिस्ट में है. अच्छा अभी रहती है इन डेज टू कम आप ये चीजें प्रोवाइड करो वेडिंग सूट से लेके सब कुछ 7 days में जो भी लगता है ये लगेज हम फुल देते हैं चप्पल से लेके डिफरेंट वेडिंग डिजाइन सूट तक और पाउच तक जो है यहाँ पे आपको नीडी ब्राइड्स को ये जो डॉक्टर मुबीना रमजान और उनकी जो टीम है ये फराहम करते हैं और प्रोवाइड करते हैं. दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब. सोपोर इनने साउथ कश्मीर में कवर किया कुलगाम और यहाँ पे जो है श्रीनगर में इनका एक हेड ऑफिस यहाँ पे चला रहे हैं खुद एंड शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब मेटिकुलस टास्क एंड विल गो अदर साइड एज वेल. दिस इज द मेन क्लासरूम. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. सो हम आगे इनके एक मेन क्लासरूम में जहाँ पे जो है इंसान टीचिंग दी जा रही है और यहाँ पे इनकी टीचर है जो जिन यो यहाँ पे अरबिक पढ़ा रहे हैं कुरानिक टीचिंग यहाँ पे दी. मेरे साथ इस वक्त है आपका नाम क्या है? इंशा शफी. इंशा शफी आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या चीज़ पसंद है और आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस राह में चुना. मेरा नाम इंशा शफी है. मैं यहाँ 5 साल से ज़ेर तालीम हूँ. यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा. यहाँ पर हमें हर कुछ सिखाया जाता है. यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन डिबेट ड्राइंग कंपटीशन हर कुछ सिखाया जाता है. यहाँ पर बच्चों को बोल्ड बनाया जाता है ताकि वो कल कुछ दूसरों के सामने बोल सके. यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. और यहाँ हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सिखाई जाती है. यहाँ पे टीचर सब सपोर्ट कर रहे हैं. यस सब अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत अच्छा सिखाते हैं. स्ट्रेस तो नहीं लेते हो ना आप? सब आपको एक्टिविटीज भी कराते हैं ना? खेलते भी हो ना? पिकनिक भी करते हो? कौन सी प्लेस आपको फेवरेट है? किसी पिकनिक स्पॉट पे रिसेंटली गए हो?
इंस्टीट्यूशन के साथ अच्छा ठीक। तो आप लोगों के यहाँ पे यूसमर्ग पहलगाम किसको फेवरेट है, यहाँ पे कोई बता सकता है? पहलगाम किसको फेवरेट है? ओके सो वंडरफुल, सो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आप प्लीज अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें और हमारे लिए भी नेक दुआएं करें, और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे टीचर्स रहती है और नाइट स्टे करते हैं? यहाँ पे जो है बच्चों की बोर्डिंग एंड लॉजिंग का भी डेफिनेटली ख्याल रखते हैं और प्रॉपर हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं? ओके फाइन, बच्चे रहते हैं फाइन, फेयर इनफ। और उनकी क्लोथिंग व्लोथिंग का ख्याल रखा खुद करते हैं? ओके यहां पे वॉशरूम, तीन वॉशरूम है, इसमें से तो ये इसमें लॉक है क्योंकि अभी ओके सो इनकी मेस की भी फैसिलिटी है यहां पे। और यहां पे ऊपर वाली कौन सी बिल्डिंग है? दिस इंस्टीट्यूशन इज कवर्ड विद सीसीटीवी कैमरास एज़ वेल, सो यहां पे 24/7 विजिलेंस रहती है इनकी। सो दिस इज द स्टूडेंट्स स्टिंग रूम, यहां पे वो बैठ रहे हैं, ओवरनाइट स्टे भी कर रहे हैं एंड यहां पे उनका properly blankets का arrangement है and overall winters में आपको कुछ problem तो नहीं आती है? नहीं ऐसे तो कुछ heating arrangement का कोई system है यहाँ पे? यहाँ पे गर्मी ही रहती है तकरीबन, तो हम gas heaters वगैरह कुछ कुछ घंटों तक चलाते हैं। सो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन की एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे किचन गार्डन में मुझे देखने को मिला, आप देख सकते हैं ग्रीन चिलीज इन्होंने ग्रो किए स्टूडेंट्स ने, विच इज अ वंडरफुल थिंग। बहुत शौकीन है तो मेंटेन कर मकई वस्ती से तैयार गम्स, आप देख सकते हैं वहाँ पे कॉर्न्स तैयार है और यहाँ से ग्रीन चिलीज आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए तैयार है। वाह वेरी वंडरफुल, ये चटनी ये अभी तैयार नहीं हो गया, आई कैन ऑल्सो सी इट, ये शिविंग के तैयार शिन। एनी वेज बहुत अच्छी बात सकते हैं स्टूडेंट्स को होमली एटमोसफेयर यहाँ पे मिल रहा है, पढ़ाई के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ इनको जो है होमली एटमोसफेयर मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट तरीके के वेजिटेबल इन इस छोटे से किचन गार्डन में जो चाहिए बच्चों में ताकि घर में भी यस ये ग्रो करे। आप देख सकते हैं क्लियरली इनने बोला कि डिफरेंट तरीके के जो फ्रूट्स है यहाँ पे अब इनको मिल रहे हैं। एनीवेज वहाँ पे स्टूडेंट्स हमें वेट कर रहे हैं, हम उनको वेट नहीं करा सकते ज़्यादा, हम इनसे एक स्टूडेंट से हम सुनेंगे कि वो भी यहाँ पे साइड करेंगे नाज शरीफ एंड लेट्स सी। हमें बताया गया कि उनकी बुलंद आवाज़ें बहुत अच्छी आवाज़ें और अट्रैक्टिव आवाज़ हैं, उनसे नाज शरीफ ज़रूर सुनेंगे। नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बेइरादा ही मुंह से निकल जाएगा, राह के संग रेजे बिखर जाएगी, एल बेदर्द का दिल पिघल जाएगा। नाम अहमद नाम नाम अहमद नाम अहमद। हम चाहते हैं अपनी परचेज करते लैंड या अगर कोई हमें डोनेट करता कोई घर या कोई बिल्डिंग फिलहाल तो वो भी ठीक था जिसमें हम अभी बच्चों को ले जाते। अक्सर बच्चियां जो हैं हमारे पास वो नीडी है या ऑर्फन है, सो वो भी उतना नहीं फी कर पाते हैं पे कि जिससे हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। उधर से यू आर फुली अवेयर अबाउट द प्राइस हाइक्स और बहुत सारी चीज़ें, पर से रेंट भी हमें तकरीबन 3 lakh वी आर पेइंग रेंट पर ईयर, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड वी आर फेसिंग अ बिग चैलेंज दिस टाइम। तो आप चाहते हैं कि अगर कोई भी विलिंगली डोनेट करे आपको लैंड कोई इन अ गुड एरिया, इस एरिया में या किसी और एरिया में अगर कोई हाउस डोनेट करेगा जहाँ पे हम एकोमोडेट करते हैं बच्चियों को और हम इनको ये एजुकेशन का काम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस कंटेंट को देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो और ब्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ इस इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप देख सकते हैं कितने नोबल कॉज में ये इनकी टीम लगी है, ये चाहते हैं कि इनको एक अच्छी सी स्पेस मिल जाए जहाँ पे ये गर्ल्स को जो है अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर लैंड भी इनको फराहम की जाए या फॉर दैट मैटर यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट, यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट मनी आप फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट कर सकते हो, या आपके पास भी अगर कोई फ्री हाउस या फ्री बिल्डिंग पड़ी है आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुबीना रमज़ान जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक हैंडल भी चलाते हैं, फेसबुक हैंडल से भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुबीना रमज़ान जी आप सर्च कर लीजिए। जामिया इस्लामिया महतुल मुस्लिमात
का ऑफिशियल पेज आप विजिट कर सकते हैं। एनीवेज यही मैसेज के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करूंगा कि हमें विमेन को एंडोर्स करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको इन्फ्लुएंस, मोटिवेट और एजुकेट करना चाहिए। मैंने टॉक अबाउट द एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन भी साथ साथ ज़रूरी है, साथ साथ मस्ट है, दुनियावी तालीम भी उनको देनी चाहिए। हमें उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, हमें उनकी वॉइसेस जो है ना वो रेज़ करनी चाहिए। जैसे ये कर रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रही है, मोटिवेट कर रही है हमारी सोसाइटी को, हमारी कश्मीर सोसाइटी को। उम्मीद करता हूँ कि आपको एंटायर आज का एजुकेशन टूर खूब पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए सफ़र पर। अपना ख्याल रखिएगा, आसपास लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और हाँ, मुझे अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe, click like, share and subscribe.